Hey guys, welcome to Clash of Clans Fanatics. This is Ritika. First of all, Happy New Year to all of you. और मैं दूसरी बात ये बोलना चाहती हूँ कि that I'm really very thankful. I'm grateful जितना आपने support show करा है 2019 में. I hope आप इतना ही support show करो 2020 में भी. मतलब बहुत सी चीज़ें हुई हैं इस साल में. Let's recap it कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं. सबसे पहले तो मुझको जहाँ तक याद है, जब नया साल स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पे मैं लाइव स्ट्रीम करती थी पबजी की. एंड जहाँ तक याद है मुझे इंटरनेट कनेक्शन इतना मेरा अच्छा था नहीं, इतनी अच्छी क्वालिटी की स्ट्रीम्स नहीं आती थी. तब भी आपने बहुत सपोर्ट शो करा था उस टाइम पर भी. एंड इनफैक्ट आपने मतलब आई रिमेम्बर मेरा फर्स्ट सुपर चैट जो था वो इसी साल में आया था. तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि मतलब मेरे को फर्स्ट टाइम सुपर चैट मिला. एंड ऑब्वियसली बहुत बड़ी बात थी तो उस चीज़ के लिए मैं बहुत लाइक आई वॉज गेटिंग क्रेजी कि क्या हो गया, ये चीज़ कैसे हो गई. तो मैं उस समय बहुत वो हो रही थी. उसके बाद मतलब इतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ना यार तुम्हारी एक एक चीज़ों से. मैंने बहुत तरह की वीडियोस डाली थी इस साल, मतलब पबजी की स्टोरीज़ हो या फिर स्नीक पीक्स हो, नए अपडेट आ रहे हैं. अगर कोई चीज़ मुझे जेन्युइनली लगी कि ये फेक वीपन ट्रिक्स डाली या फेक लोग न्यूज़ फैला रहे थे, मैंने उसके बारे में वीडियोज़ डाली. कुछ नई ट्रिक आई, कोई क्रेट ओपनिंग थी, कोई नया ट्रूप आया क्लैश रॉयल में या फिर कुछ नया क्लैश ऑफ क्लैंस में आया, तो हर चीज़ की मैंने वीडियो डाली है इस साल. एंड बहुत लोगों ने उस चीज़ को सपोर्ट करा, उन लोगों को पसंद आई, विच इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग. मुझे नहीं पता था कि लोगों का इतना चीज़ पसंद आएगा, हमारा कंटेंट इतना पसंद आएगा. सेकेंडली मुझको याद है मेरा ज्वाइन का जो भी चैनल पे बटन आया था, ज्वाइन का बटन एक आपको दिखता है जो आप सब्सक्राइबर्स जो हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को, तो वो हमको बटन मिल गया था. 3.5K सब्सक्राइबर्स थे उसी टाइम पे हमें मिला था. एंड अगर आपको पता ही होगा वो इतनी जल्दी नहीं मिलता है, उसके लिए बहुत टाइम लगता है वो मिलने के लिए. बट हमको मिल गई वो चीज़, वो भी बहुत शॉकिंग थी उस टाइम पे कि हमको इतने कम सब्सक्राइबर काउंट पे ये चीज़ मिल गई थी. एंड स्टार्टिंग में काफ़ी कम लोगों को मिला था ज्वाइन का बटन, वी वर वन ऑफ देम, तो हमको ज्वाइन का बटन बहुत जल्दी मिला था. एंड सभी को पता है वीपीएन ट्रिक्स इस साल कितनी फेमस हुई हैं, तो उस टाइम पे यार डेली की डेली वीडियोज़ मैंने डाली थी. एवरी डे कोई ना कोई वीडियो वीपीएन से रिलेटेड या कुछ ऐसी ट्रिक जो भी कभी ग्लिच हुआ, यूसी ग्लिच हुआ या एक्स्ट्रा आपको कुछ मिल रहा है, तो मैंने हर तरह की वीडियो डाली है. स्टिल रिमेंबर माय एग्ज़ाम्स वर गोइंग ऑन और इतनी सारी चीज़ें चल रही थी कि मैं कुछ ना कुछ मतलब मैं इतनी बिजी थी स्टिल, मतलब मैं डेली वीडियोस डाल रही थी उस टाइम पे भी, भले तबीयत ठीक नहीं हो, भले एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम से आके बनाती थी वीडियो एंड जो जो करके मैं डेली डालती थी, बिकॉज वीपीएन ट्रिक्स बहुत लोग पसंद कर रहे थे एंड लोग कह रहे थे कि डालो यार डेली वीडियोस डालो. तो उस टाइम पे था कि हाँ यार ये चीज़ अब आई है तो अब डेली डालनी है, तो हर तरीके से हार्डवर्क करके वो डेली वीडियोस मैंने भी दी. उसके बाद आई थॉट कि यार अब एडवर्टीज़मेंट का भी थोड़ा करना चाहिए, तो मैंने एक ऐड अपनी चलाई थी जिस पे बहुत लोगों ने सपोर्ट दिया, जो वीपीएन की एक स्टोरी करके मैंने एक ऐड डाली थी. वो भी मैं आई बटन में देख लेती हूँ, मतलब दे देती हूँ, आप देख लेना वहाँ से. तो वो भी मैंने दी थी, बहुत लोगों ने उस चीज़ को भी सपोर्ट दिया. काफ़ी लोगों ने बोला कि उनको बहुत पसंद आई ये भी वीडियो, बट बहुत सक्सेसफुल रहा, लोगों को पसंद आया. तो ये सारी चीज़ें जो हुई वो बहुत ही ओवरवेलमिंग थी. एंड मतलब लोगों ने बहुत लोगों ने सपोर्ट करा है इस साल में, तो स्पेशली मुझे लगा बहुत लोगों ने सब्सक्राइब करा है हमारे चैनल को जितना पहले नहीं था.
एंड जिनको अभी तक नहीं पता, हमारी अर्निंग स्टार्ट नहीं हुई है अभी तक, सिर्फ हमारी एड्स चलनी शुरू हुई थी. एंड यू नो स्टिल एक तुम जो मैसेज भी कर देते हो ना, एक जो तुम डाल देते हो, एक कमेंट भी डाल देते हो कि हाँ यार तुम्हें कंटेंट पसंद आया, तुम्हें वीडियो पसंद आई, तो उससे भी एक बहुत मोटिवेशन आती है. जब बहुत लोग कमेंट करते हैं कि यार वीडियो क्यों नहीं आ रही, तो फिर होता है हाँ यार चलो वीडियो बनाते हैं. तो एक एक मोटिव इस चीज़ से बहुत मोटिवेशन आती थी. जब भी मैं वीडियो बनाती थी, जब भी होता था कि यार नहीं बनाने का मन हो रहा, बट फिर भी होता है कि यार बनानी है. एंड बहुत बार मैं ऐसा हुआ कि डीमोटिवेट हुई हूँ, क्योंकि मेरी वीडियो जो थी डीमोनेटाइज हो गई थी. एंड एक नहीं, इनफैक्ट 20-25 वीडियोस जो थी मेरी डीमोनेटाइज हो गई थी, जो कि मेरा ओरिजिनल कंटेंट था. एंड आई वाज वेरी सैड. मेरे को तो हो गया था कि यार यूट्यूब छोड़ना है अब ऐसे. तो उस टाइम पे भी बहुत लोग मैसेज कमेंट करते थे, मैसेज करते थे, तो उस टाइम पे भी बहुत सपोर्ट मिला था मेरे को. तो तब मैंने नहीं सोचा कि क्या वीडियो मोनेटाइज हुई डीमोनेटाइज हुई, मैं तब भी बनाती रही हूँ. तो यार आपका सपोर्ट रहा है, इसीलिए ही ये चीज़ पॉसिबल हुई है. सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर दिस. एंड आई होप आप यही सपोर्ट एंड इससे ज़्यादा सपोर्ट जो है वो शो करोगे 2020 में. सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे. एंड वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना. इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.